मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने गुरु चौहान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल एक नई कड़ी शुरू की थी, राजस्थान के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की हम श्रृंखला बढ़ा रहे थे और उसमें हमने कल कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा की थी और विद्यार्थियों ने बहुत पसंद किया। विद्यार्थियों ने कहा, सर ऐसे ही और वीडियो आप और बनाएं और हमारे इन प्रश्नों को और अधिक कराने का प्रयास करें। इसी कड़ी में आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है? पहला ऑप्शन है केवलादेव भरतपुर में, दूसरा रणथंबोर सवाई माधोपुर में, तीसरा मरुद्यान जैसलमेर में, चौथा सरिस्का अलवर में। राजस्थान पुलिस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। इसका पहला उत्तर एक केवलादेव भरतपुर राइट आंसर है। आइए इससे रिलेटेड और प्रश्न देखते हैं जो हमारे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, आरएएस प्री 1992 में यह प्रश्न पूछा गया। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण साइबेरियन क्रेन है, सेकेंड ग्रेड शिक्षक 2011 में पूछा गया। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव है, यह उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 की एग्जाम में पूछा गया। वह जिला भरतपुर है जहां विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, आरएएस प्री 1998 में यह प्रश्न पूछा गया। साइबेरियन सारस शीत ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, राजस्थान पुलिस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है, यह पटवार 2011 में पूछा गया। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंभीर एवं बाण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है, जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य केवलादेव के बारे में जानते हैं। इसे 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, इसे 1981 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, इसे 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यह एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। इस अभ्यारण को 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया और यह राजस्थान का पहला रामसर साइट भी है। यह अभ्यारण स्वर्णिम त्रिकोण जो कि गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें दिल्ली आगरा और हमारा राजस्थान आता है, अतः यह गोल्डन ट्रायंगल पर भी स्थित है। इस अभ्यारण का क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर 28.73 वर्ग किलोमीटर है, अतः राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण यही है, लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका क्षेत्रफल है। यह अभ्यारण प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की कर्मस्थली रहा है, सालिम अली जिन्हें बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। सालिम अली यूपी के रहने वाले थे और यहां पर आकर उन्होंने पक्षियों पर रिसर्च किया और उनका पूरा जीवन इसी अभ्यारण्य को समर्पित रहा, अतः यह हमारा राजस्थान का अभ्यारण्य प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की कर्मस्थली भी रहा है। आइए अब अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान के सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन है बैराट, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा, राजस्थान पुलिस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। इसका चौथा उत्तर कालीबंगा राइट आंसर है। इस पर और भी बहुत सारे प्रश्न कालीबंगा सभ्यता पर, बहुत सारे प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आइए उन सभी प्रश्नों को एक बार देखते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कारापाल परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां है, आरएएस 1998 प्री में यह प्रश्न पूछा गया। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी या गग्गर नदी के किनारे फैली थी, बीएसटीसी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जाता है,
ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया। इस स्थल की खोज 1952 ईस्वी में ए घोष अमलानंद घोष ने की तथा इसका उत्खनन 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी के थापर ने करवाया था। सेकेंड ग्रेड 2011 में पूछा गया। इतिहास में था दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय यानी तीसरी राजधानी कहा है। सेकेंड ग्रेड 2014 में पूछा गया। कालीबंगा से सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एएन एग्जाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कालीबंगा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया। कालीबंगा से सात अग्नि वेदिकाओं या कुंड की पंक्ति प्राप्त हुई है। सेकेंड ग्रेड शिक्षक 2019 में पूछा गया। कालीबंगा से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोहरी रक्षा प्राचीर या प्रस्वीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। महिला पर्यवेक्षक 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया। कालीबंगा सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी। थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 में पूछा गया। तो बहुत सारे प्रश्न कालीबंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। अतः इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए अब हम अगले तीसरे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। ईओ एग्जाम 2007 में पूछा गया। इसका उत्तर दो सही है, राजकुमार भोजराज। मीराबाई पर और भी अन्य प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मीराबाई के पिता रतन सिंह थे, बीएसटीसी 2008। दासी मत का संबंध मीराबाई से है, जेल प्रेरी 2017। मीराबाई की रचना का नाम पदावली है, हेडमास्टर एग्जाम 2018। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मीराबाई पर जानते हैं। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका गुजरात में गुजरा था। अतः मीराबाई पर भी काफी क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर चार देखते हैं। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडम्मा माता। आरएसप्री 2012 में यह प्रश्न पूछा गया और इसका उत्तर नंबर चार, राजस्थान की लोक देवी नहीं है, हिडम्बा माता। हिडम्बा माता का संबंध राजस्थान से नहीं है। इस पर कुछ तथ्य देखते हैं। छींक माता का मंदिर गोपाल जी का रास्ता चौड़ा रास्ता जयपुर में है, तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है और हिडम्बा माता का मंदिर राजस्थान में नहीं है, फिर कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था, अतः भीम की पत्नी हिडम्बा माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वह राजस्थान में नहीं है। अतः हिडम्बा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। तो आज आपने कुछ प्रश्न देखे, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं और लाने का प्रयास करूंगा। आपके बहुत ही सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। मैं और नए नए प्रयोग आप तक लेकर आता रहूंगा, अतः आप इसी प्रकार मुझे मोटिवेट करते रहिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। अपने साथियों को शेयर करें, इस चैनल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।